सो है गाइस, फाइनली अपने गेम के अंदर आ चुका है अपना स्टेट वॉर इवेंट। टोटली गाइस, इसके अंदर से हमें बहुत ही सारे फ्री में रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हमें फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में रहने वाली है। मैं तुम्हें पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, तो बस तुम लोग वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हमें इसे गो के ऊपर क्लिक करके इवेंट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आपका स्टेट रहेगा, ठीक है। एग्जांपल यार, मैं गुजरात से हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गुजरात सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑटो सेलेक्ट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके जो भी आपका गाइस स्टेट है ना, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। मैं गुजरात से हूँ, तो मैं गुजरात को चूज करूंगा, फिर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है कंफर्म के ऊपर, फिर वापस से कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपने स्टेट को चूज किया है वो सही तो है ना, वरना आप लोग यहाँ से रीसेलेक्ट भी कर सकते हो। कंफर्म होने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले यहाँ पे स्टेट है और साइड में है सोलो, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे भाई दोनों ही ऑप्शन के ऊपर लॉक लगा हुआ है, और ये लॉक तभी अनलॉक होगा जब गाइस हम लोग टोटल 30 पॉइंट को कलेक्ट कर ले गए। फिर लास्ट में यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी है, लेकिन वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ, क्योंकि गाइस रिवॉर्ड तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इस लॉक को अनलॉक कर दोगे। तो यार यहाँ पे देखो, गरेना ने बताया है कि कैसे हम पॉइंट को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एनिमी को मारेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, और सीएस के अंदर बुया करेंगे तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, और अगर हम लोग बीआर मैच के अंदर टॉप 3 के अंदर आते हैं तो हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर हम लोग बीआर मैच के अंदर बुया कर लेते हैं तो हमें 6 पॉइंट मिलते हैं। तो यार पॉइंट को इजी तरीके से लेने का सबसे बेस्ट मोड है, वो है अपना बैटल रॉयल मोड। लेकिन हाँ गाइस, मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल बैटल रॉयल की बात कर रहा हूँ। मैंने गाइस सिर्फ टोटल 3 मैच खेले थे, और तीनों मैच के अंदर सिर्फ नूबड़े थे। तीनों मैच के अंदर बुया करने के साथ साथ मैंने कुछ एनिमी को भी मारा था जिसके मुझे पॉइंट मिले थे। यानी गाइस मुझे एनिमी को मारने के भी पॉइंट मिले, टॉप 3 में आने के भी पॉइंट मिले, और साथ में बुया के भी पॉइंट मिले। सिर्फ यार 3 बैटल रॉयल मैच के अंदर मैंने 30 पॉइंट को कलेक्ट करके स्टेट को और सोलो को दोनों को अनलॉक कर लिया। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो स्टेट लिखा हुआ है, ये जो यार लीडर बोर्ड है ना, वो अपने स्टेट का है, ठीक है। इस टाइम पे मेरा जो गुजरात है ना, वो 13 पोजीशन पे है। आप अपना जो गाइस स्टेट है ना, उसका पोजीशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर साइड में आ जाओ सोलो में, यहाँ पे ये लीडर बोर्ड है कि आप, ठीक है, आपका पूरा स्टेट नहीं, आप किस पोजीशन पे हो। मैं यार यहाँ पे 6602 के पोजीशन पे हो, लेकिन आप लोग कौन सी पोजीशन पे हो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आ जाते हैं साइड में यानी प्राइस के अंदर, और बात करते हैं कि ये सारे रिवॉर्ड हमें कैसे मिलेंगे। तो अगर गाइस आपका जो स्टेट है, ठीक है, वो टॉप 1 यानी पहले पोजीशन पे आता है ना, तो आपको टी शर्ट मिलेगा, और आपका जो स्टेट है गाइस वो टॉप 5 के अंदर आता है तो वेपन रोल का वाउचर मिलेगा, और अगर टॉप 10 के अंदर आता है तो गोल्ड रोल का वाउचर मिलेगा। लेकिन अगर 1 से लेकर टोटल 10 के अंदर नहीं आता यानी गाइस इसके बाहर है, तो आपको कुछ क्रेट मिलेगा। इस वक्त पे लद्दाख नंबर 1 स्टेट के ऊपर है, ठीक है, तो लद्दाख वालों को टी शर्ट मिलेगा। अगर बात करें सोलो की, तो अगर आपकी पोजीशन टोटल 10,000 के अंदर आती है तो आपको डिनो बंडल मिलेगा। फिर यार 1,00,000 के अंदर आती है ना आपकी पोजीशन, तो आपको यहाँ पे क्रेट मिलेगा, ठीक है, गन का क्रेट। और फिर भी अगर आपका पोजीशन 2,50,000 के अंदर आता है ना, तो भी आपको गन का क्रेट ही मिलेगा। लेकिन एक भी पोजीशन के अंदर नहीं आता तो गाइस आपको लाड आउट का थोड़ा सा नॉर्मल सा रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। बाकी गाइस इवेंट को कम्प्लीट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, और ये जैसे ये काउंट डाउन खत्म होगा, आपका जो रिवॉर्ड क्लेम करने का ऑप्शन है ना, वो आ जाएगा। आप लोग मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग कौन से स्टेट से हो, ठीक है, मैं तो यार गुजरात से हूँ। बाकी अगर तुम्हें फ्री में डायमंड चाहिए ना, तो इसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन है, ठीक है, ट्राई करना। हमारे गेम के अंदर जो न्यू मेंबरशिप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसे कैसे कंप्लीट करना है वो तुम्हें जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। 6th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।